बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स मीडिया में। मेहराज रब देख रहे हैं सोर्स मीडिया यूट्यूब चैनल बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 21 से 24 के वो तमाम छात्र छात्राएं जिनके ऑनर्स या सब्सिडरी या दोनों, यानी ऑनर्स और सब्सिडरी दोनों में प्रैक्टिकल है। 22 तारीख से प्रैक्टिकल का एग्जाम शुरू है, 30 तारीख को खत्म है। 9 दिन का समय विश्वविद्यालय की तरफ से तमाम कॉलेजेस को दिया गया है। 9 दिन का समय आपके लिए भी है, आपका सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल आपके कॉलेज में जिस दिन भी होगा जाकर के आप दे दीजिएगा। जहां पर आपका एडमिशन है प्रैक्टिकल वहीं पर होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए आपके पास जरूरी होनी चाहिए आपके पास पार्ट वन का एडमिट कार्ड, और जो अभी आपने पार्ट टू का फॉर्म भरा है तो आपको स्लिप मिला होगा, फी वाली जो रसीद मिली होगी वह रसीद और पार्ट वन का एडमिट कार्ड लेकर के जाएंगे। इस वीडियो में लगभग हम आपको 20 कॉलेज का नोटिस दिखाएंगे और समझाएंगे कि प्रैक्टिकल वाला जो है नोटिस आप किस तरीके से समझेंगे, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो यदि आपके कॉलेज का है तो उसको किस तरीके से आप देखेंगे। और तमाम छात्र छात्राएं, डिस्क्रिप्शन में आपके सेशन का व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वगैरह होती है, न्यूज वगैरह होती है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया जाता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कॉमेंट बॉक्स में भी जाकर के आप चेक करेंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं RDS कॉलेज से। RDS कॉलेज का मेरे पास जो अभी तक के पहुंचा है, जब रिकॉर्ड की जा रही वीडियो तब तक के मात्र ज्योग्राफी का पहुंचा है। यदि आप RDS कॉलेज से है, आपका ज्योग्राफी ऑनर्स है या आपका ऑनर्स कोई भी है, आपका सब्सिडरी है, तो देखिए किस तरीके से समझना है। आप यहां पर देख पा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी है। तो ये जो आप देखेंगे 23, 24, 25 ये जो है ये सिर्फ ऑनर्स वालों का है, यानी जिसका ज्योग्राफी ऑनर्स है इस कॉलेज से है उनका है। यदि किसी का सब्सिडरी है तो सब्सिडरी नीचे है। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो 23 जुलाई को RDS कॉलेज में ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल किसका है, 23 जुलाई को जिसका ज्योग्राफी ऑनर्स है। फर्स्ट सिटिंग में आप देखिएगा तो ये जो रोल नंबर है 20, 15, 30, 40 8001 से लेकर के 8067 तक, यानी 1 से 67 के बीच में यदि आपका रोल नंबर है, देखिए मिला लीजिएगा इतना काउंट करते हुए यहां पर 1 है और लास्ट में देख पा रहे 67 है, इस बीच में आपका रोल नंबर पड़ रहा है तो आपका 23 तारीख को है। आप देख पा रहे फर्स्ट वाली में भाई देखिएगा तो ये 80-67 जो है ना उसके बाद से 80-68 से लेकर के 81-34 तक कॉमन यहाँ पर है। आप देख पा रहे 20-15 भी देख लीजिएगा उसका द्वितीय पाली में। फिर 24 तारीख को आप देखेंगे तो फिर 81-35 से लेकर के 82-1 तक है, बाकी सब चीजें यहाँ पर कॉमन है, आप देख लीजिएगा फर्स्ट सिटिंग में। तो ये ऑनर्स वाले का है ऊपर। यदि किसी का सब्सिडरी है, आप देखेंगे प्रैक्टिकल सब्सिडरी ज्योग्राफी है, तो आप देख पा रहे यदि आप RDS कॉलेज के हैं और आपका जो है कि हिस्ट्री ऑनर्स है और ज्योग्राफी एज ए सब्सिडरी है तो सब्सिडरी ज्योग्राफी का एग्जाम आप देख पा रहे 26 जुलाई को होगा फर्स्ट सिटिंग में। उसके बाद से हिस्ट्री ऑनर्स वाले सेकंड सिटिंग में भी जाकर के दे सकते हैं। 27 को आप देख पा रहे हैं ज्योग्राफी सब्सिडरी उनका होगा, मतलब देखिए यहाँ पर सिर्फ सब्सिडरी और ज्योग्राफी लिखा हुआ है और ये सब ऑनर्स के नाम दिए गए हैं तो आपको इस अपने ऑनर्स से लिंक करना है। आप देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो देख पा रहे हैं पोल साइंस जिसका भी ऑनर्स है ज्योग्राफी सब्सिडरी है तो आप इसको देख सकते हैं कब है। देखिए हम फास्ट में चलेंगे, बहुत सारे कॉलेज के नोटिस दिखाने। साइकोलॉजी वाले का ज्योग्राफी सब्सिडरी किस दिनों का आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स वाले का, इंग्लिश वाले का, उसके बाद से रेस्ट ऑल सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं। बाकी जो बच जाएंगे यदि इस बीच में नहीं जा पाएंगे तो 30 तारीख को जाकर के एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद से आप देख पा रहे 31 को भी मौका दिया गया है और सभी छात्र छात्रा अपने एडमिट कार्ड की छाया प्रति परीक्षा कॉपी के साथ अवश्य जमा करेंगे। आप देख पा रहे यहाँ पर RDS कह रहे हैं कि आपको जो है कि जो आंसर शीट आपको मिलेगा प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए उसके साथ एडमिट कार्ड का जेरॉक्स भी आपको जमा करना है तो एडमिट कार्ड भी जेरॉक्स करवा के ले जाइएगा। तो ये हो गई। अब हम आते हैं थोड़ा इधर और भी कॉलेज का हमको दिखाना है तमाम छात्र छात्राएं। तो आप देख पा रहे ये देखिएगा तो ये MS कॉलेज का है और MS कॉलेज का आप देख पा रहे तमाम छात्र छात्राएं, ये केमिस्ट्री का है। आप देख पा रहे 22 जुलाई को केमिस्ट्री ऑनर्स का MS कॉलेज में 10 बजे से 4 बजे के बीच में प्रैक्टिकल होगा, आप जाकर के दे दीजिएगा। उसके बाद से 23 तारीख को जिसका भी केमिस्ट्री सब्सिडरी है लेकिन ऑनर्स फिजिक्स है, यदि आपका ऑनर्स फिजिक्स है तो आपके केमिस्ट्री सब्सिडरी का एग्जाम 23 को होगा, यदि आपका मैथ ऑनर्स है केमिस्ट्री सब्सिडरी है तो वो 24 को होगा, यदि आपका जियोलॉजी ऑनर्स है यदि केमिस्ट्री सब्सिडरी है तो केमिस्ट्री, देखिए केमिस्ट्री का है पूरा, आपका अलग अलग ऑनर्स है उसको यहाँ पर अलग अलग डिफाइन किया गया है तारीख में, आप वीडियो पॉज करके आप समझिए। आप देख पा रहे ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉटनी यदि किसी का ऑनर्स है और केमिस्ट्री यदि सब्सिडरी है तो उनका 26 तारीख को होगा। हम आपको और दिखाए MS कॉलेज का ही, तो आप देख पा रहे हैं ये फिजिक्स ऑनर्स वालों के लिए है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं 22 तारीख को और 24 तारीख को, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं।
उसके बाद से जो नोट में दिया गया है, नोट में कहा गया है कि पार्ट वन का एडमिट कार्ड लाना है और पार्ट टू परीक्षा फॉर्म भरने का जो रसीद है जो मैंने आपको शुरू में बताया है वो, और कहा गया है कि प्रैक्टिकल वाला नोटबुक भी आपको साथ में जमा भी करना है। तो वीडियो पॉज कीजिए और देख लीजिए, हम आपको और दिखाए आगे, तो आप देख पा रही है एमएस कॉलेज का ही है। देखिए ये जो है ये साइकोलॉजी का है, साइकोलॉजी यहाँ पर आप देखिएगा, तो ये जो ऑनर्स ऊपर दिया गया है यहाँ पर आप देखिएगा, तो ये जो रोल नंबर आप देख पा रहे हैं 22 23 24 को ऑनर्स वाले का होगा। अच्छा, रोल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, तो आप देख पा रहे हैं 001 से लेकर के 079 तक, यहाँ देखिएगा 10 बजे से 10:30 बजे से स्टार्टिंग है। उसके बाद से अगले का रोल नंबर यहाँ पर आप आके देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए अपना रोल नंबर मिलाइए और ये साइकोलॉजी ऑनर्स का ऊपर देख लीजिए। यदि आप एमएस कॉलेज से आपका जो है कि ऑनर्स आर्ट्स में दूसरा है, लेकिन आप देख पा रहे हैं साइकोलॉजी सब्सिडियरी है, यहाँ पर साफ साफ दिया गया है। यदि आप एमएस कॉलेज के और आपका हिस्ट्री ऑनर्स है और साइकोलॉजी सब्सिडियरी है, तो देख पा रहे हैं सब्सिडियरी वाले का, हिस्ट्री ऑनर्स वाले का 25 तारीख को है, 26 तारीख को है, फर्स्ट सिटिंग में है, सेकंड सिटिंग में है, रोल नंबर के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। नीचे देखिएगा तो नीचे कहा गया कि यदि किसी का पॉलिटिकल साइंस है, तो आप देख पा रहे हैं उसका साइकोलॉजी सब्सिडियरी का एग्जाम 27 तारीख को हो जाएगा। इकोनॉमिक किसी का है तो उनका 28 तारीख को हो जाएगा। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं यदि किसी का इंग्लिश ऑनर्स है, उर्दू ऑनर्स है, बंगला है या संस्कृत है या फिलोसफी ऑनर्स है, तो आप देख पा रहे हैं उनका 29 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में हो जाएगा। इधर देखिएगा तो 29 तारीख को कहा गया है कि ऑल प्रमोटेड या एक्स स्टूडेंट, यदि आप 19 से 22 के हैं या 21 से 24 के हैं या 20 से 23 के हैं, 20 से 23 वाले, यदि आपने अपने सेशन के साथ एग्जाम नहीं दिया होगा तभी आप पूछिएगा, और ना आप एग्जाम दिए तो कहाँ आया है रिजल्ट, आप देख पा रहे इधर। अच्छा, इधर भी देख लीजिएगा, हिंदी ऑनर्स वाले का साइकोलॉजी सब्सिडी का एग्जाम इधर दिया हुआ है, इधर भी देखते जाइएगा। ठीक, तो मैंने आपको ये बताई, उसके बाद से हम और देखें तो आप देख पा रही डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी है, आप देख पा रही अभी एमएस कॉलेज का है। वीडियो पॉज करके देख लीजिए, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, अभी और भी चीजें बतानी है, अभी तो एक ही कॉलेज का बताया, एक आरडीएस का बताया। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं ये नीतीश्वर महाविद्यालय मुजफ्फरपुर है, यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, ये किसके लिए आप देख पा रहे, स्नातक द्वितीय खंड गृह विज्ञान, आप देख पा रहे किसी का होम साइंस है एज ऑनर्स या सब्सिडियरी, तो आप देख पा रहे होम साइंस ऑनर्स वाले का नीतीश्वर महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में 24 तारीख को है, आप देख पाए रोल नंबर इतना से इतना, टाइमिंग 10 बजे से। फिर 25 तारीख को होम साइंस ऑनर्स वाले का ही है, टाइमिंग इतना से इतना, रोल नंबर इतना, देख लीजिएगा। उसके बाद से यदि किसी का होम साइंस एज ए सब्सिडियरी है, देख पा रहे 26 तारीख वाला में, और ऑल द सब्जेक्ट मेंशनड बिलो, यानी किसी का साइकोलॉजी ऑनर्स है या पोल साइंस ऑनर्स है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है या हिंदी ऑनर्स है और होम साइंस एज ए सब्सिडियरी है, तो आप देख पा रहे 26 तारीख होगा, यहाँ पर आप देख पा रहे। उसके बाद से 27 तारीख को यदि किसी का हिस्ट्री ऑनर्स, सोशियोलॉजी है, म्यूजिक है या इंग्लिश है और उनका होम साइंस एज ए सब्सिडियरी है, तो होम साइंस सब्सिडियरी का प्रैक्टिकल 27 तारीख को, ऊपर 26 ये देख पा रहे सब्सिडियरी का, और ये 27 को। उसके बाद से ज्योग्राफी किसी का है, उर्दू है या अदर कोई सब्जेक्ट है जो इसमें लिखा हुआ नहीं है, उसे आपका ऑनर्स है, तो आप 28 तारीख को अपने सब्सिडियरी का एग्जाम जाकर के दे दीजिएगा होम साइंस का, और ये नोट पढ़ लीजिएगा यदि आप इस कॉलेज से है तो। उसके बाद से हम आपको और दिखाए, तो ये वाला मैंने आपको बता दिया है, ये देखिएगा, तो ये आरडी महाविद्यालय पकरी दयाल इस चंपारण, वीडियो पॉज करके आप जो है कि इसको देख सकते हैं, साफ साफ यहाँ पर दिया गया है टाइमिंग क्या है, फर्स्ट सीटिंग का, सेकेंड सीटिंग का, सब्जेक्ट क्या है वो बताया गया है, आप देख पा रहे हैं नीचे सब्सिडियरी है, ऊपर ऑनर्स है, वीडियो पॉज कीजिए देख लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, आप देख पा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ बोटनी है एलएनडी कॉलेज मोतिहारी का, ऊपर ऑनर्स है बोटनी ऑनर्स वाले का, नीचे यदि आपका जूलॉजी ऑनर्स है तो आप देख पा रहे आपके बोटनी सब्सिडियरी का एग्जाम कब होगा, 24 तारीख को। उसके बाद से रेस्ट जूलॉजी ऑनर्स वाले, वीडियो पॉज करके देखिए, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, आप देख पा रहे हैं ये देखिएगा महंत शिव शंकर गिरी महाविद्यालय, देखिएगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें कहा जा रहा है कि 22 से 25 तक दिया जाएगा प्रैक्टिकल का एग्जाम और सब्जेक्ट का नाम इसमें दिए गए हैं। देखिए हम आपको एक आध दो जो है कि प्रैक्टिकल वाला नोटिस समझा दिया है, उसी बेस पर आप अपने कॉलेज का इसमें देखिए और उसी से टैली कीजिएगा, मिलाइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो आप यहाँ पर देखिएगा तो ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एलएनडी कॉलेज मोतिहारी से है, वीडियो पॉज करके आप इसको देख सकते हैं कब कब एग्जाम कैसे कैसे है। ये डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी से है एलएनडी कॉलेज मोतिहारी का, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देते हैं, साफ साफ आपको नजर आ जाएगा। यदि हम ये देखें तो आप देख पा रहे हैं साइकोलॉजी ऑनर्स का, ये डॉक्टर आर एम एल एस कॉलेज मुजफ्फरपुर में है, फर्स्ट सीटिंग सेकेंड सीटिंग में, आप देख पा रहे रोल नंबर कितना से कितना तक है, नोट भी यहाँ पर दिया गया है, नोट वाला जो है कि नीचे, इसको पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़े तो ये आप देख पा रहे हैं ये भी डॉक्टर आर एम एल एस कॉलेज का है, ये
साइंस का है, वीडियो पॉज कर करके आप देख सकते हैं, फिजिक्स का है, ऑनर्स और सब्सिडरी दोनों के लिए है, नोट वाला भी जरूर पढ़ते जाइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये भी उसी का है, अलुजा कॉलेज का ज्योग्राफी ऑनर्स का है, वीडियो पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद से हम आगे बढ़े तो ये एमजीके कॉलेज बेतिया का है, आप देख पा रहे वीडियो पॉज करके। देखिए ये ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल है, तो जिसका भी ज्योग्राफी ऑनर्स है एमजीके कॉलेज बेतिया के तमाम छात्र छात्रा, तो ज्योग्राफी ऑनर्स का एग्जाम रेगुलर प्लस प्रमोटेड वाले 22 तारीख को आपका एग्जाम हो जाएगा। वहीं देखिएगा 24, 25, 26 और 27, ये चार दिन सब्सिडरी का एग्जाम होगा। लेकिन किसका किसका होगा, तो यदि किसी का ऑनर्स एज ए हिस्ट्री है तो उनका, यदि ज्योग्राफी होगा तो ज्योग्राफी सब्सिडरी का एग्जाम 24 को होगा। यदि किसी का साइकोलॉजी ऑनर्स है, हिंदी ऑनर्स है और ज्योग्राफी एज ए सब्सिडरी है तो उनका 25 को होगा। इसी तरीके से समझ लीजिए वीडियो पॉज करके। उसके बाद से आप देखिएगा तो ये भी एमजे कॉलेज बेतिया का ही है, और ये जो आप देख पा रहे इसमें बोटनी ऑनर्स का है, बोटनी सब्सिडरी का है, आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद से देखिएगा ये भी उसी का है, वीडियो पॉज कीजिए आप देख लीजिए, साइकोलॉजी ऑनर्स का है, आप देख पा रहे। उसके बाद से मैं आपको और दिखाया तो ये एमएस कॉलेज का मैंने आपको समझा दिया, डीसी कॉलेज हाजीपुर का है, वीडियो पॉज कीजिए देख लीजिए। ये सिर्फ फिजिक्स ऑनर्स वाले का है, जिसका भी फिजिक्स ऑनर्स है वो देखे और नोट वाला जरूर पढ़ते जाइएगा। चलिए ये भी डीसी कॉलेज का, साइकोलॉजी का है, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद से भी डीसी कॉलेज का है, ये डिपार्टमेंट ऑफ बोटनी का है, बोटनी वाले आप देख पा रहे बोटनी ऑनर्स और सब्सिडी दोनों के बारे में यहाँ पर जिक्र है, वीडियो पॉज करके समझ सकते हैं। ये भी डीसी कॉलेज का, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री का है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। ये भी उसी का है, आप देख पा रहे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स का है, ये आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी है, उसके बाद से आप देख पा रहे ये जो कॉलेज है आप यहाँ पर देखेंगे तमाम छात्र छात्राएं, तो ये RLSY कॉलेज बेतिया का है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। साइकोलॉजी ऑनर्स वाले का ऊपर जिक्र है और जिसका भी साइकोलॉजी सब्सिडरी है उसका नीचे जिक्र है। उसके बाद से आप देखिएगा तो ये फिजिक्स ऑनर्स का उसी का है, RLSY का ही है, फिजिक्स ऑनर्स वाले का 22 तारीख को हो जाएगा और जिसका भी सब्सिडरी है फिजिक्स से, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं कब कब है। हम आपको और दिखाए L&D कॉलेज मोतिहारी का है, देख सकते हैं फिजिक्स वाले का कब है, आप देख पा रहे। आशा कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज ईस्ट चंपारण, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं लगभग सभी सब्जेक्ट का जिसका भी पढ़ाई होता है इसमें और उसमें उस सब्जेक्ट में ऑनर्स में या सब्सिडरी में प्रैक्टिकल है, सभी का जिक्र यहाँ पर किया गया है। इस कॉलेज से आप आए तो वीडियो पॉज कीजिए और देख लीजिए। हम आगे बढ़े तो आप देख पाइए L&D कॉलेज मोतिहारी का है, साइकोलॉजी ऑनर्स का, ये जूलॉजी का है मैंने आपको बता दिया है, L&D कॉलेज मोतिहारी का है, आप देख सकते हैं। उसके बाद से हम आपको और दिखाए तो आप देख पा रहे ये देख पा रहे राजकीय डिग्री महाविद्यालय शिवहर का है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ दिया गया है, साफ साफ यहाँ पर जिक्र है। हम आगे बढ़े तो आप देख पा रही है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल घोड़ासान, वीडियो पॉज कीजिए देखिए कौन कौन सब्जेक्ट का है, कब कब है, इसमें सारा 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 का सारा इसमें साफ साफ दिया गया है। यह देखिएगा तो JS कॉलेज जो चंदौली में है उसका है, ये वीडियो पॉज कीजिए और समझ लीजिए। उसके बाद से हम आगे बढ़े तो आप देख पा रहे ये उसका नहीं है, ये गोयनका कॉलेज सीतामढ़ी का है, बोटनी ऑनर्स का है, आप देख पा रहे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। डेट वगैरह दिया गया है, जिसका भी बोटनी ऑनर्स है तो उनका 26 तारीख को होगा, लेकिन जूलॉजी ऑनर्स है और बोटनी एज ए सब्सिडरी है तो उनका 27 को होगा। यहाँ पर रोल नंबर इतना से इतना देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद से हम आपको और दिखाए नितिसर महाविद्यालय का है, ये आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, फिजिक्स का है, पार्ट टू स्पेशल प्रैक्टिकल एग्जाम 2022, ये 21 से 24 वाले का नहीं है, ये स्पेशल 20 से 23 वाले का भी प्रैक्टिकल हो रहा है तो ये आपका नहीं। ये आप देखिएगा यहाँ पर तो ये भी 20 से 23 वाले का, ये आपका नहीं है, ये भी आपका नहीं है, 20 से 23 वाले का ये भी आपका नहीं है, आप तमाम छात्र छात्रा है ये देखिए यहाँ पर आप देखिएगा तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स का है और तमाम छात्र छात्रा है, MP सिन्हा साइंस कॉलेज बेला का है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैंने आपको बता दिया है, ये देखिएगा तो ये LS कॉलेज जो है आप देख पा रही है LS कॉलेज का है, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं पूरा, ये साइकोलॉजी ऑनर्स वाले के लिए। उसके बाद से हम आपको और दिखाए गोयनका कॉलेज सीतामढ़ी का है, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद से अब नहीं है, अभी मेरे पास जितना पहुंचा था मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया है, और भी रिसीव होते हैं आपके डिमांड आते हैं तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी रूटीन के ऊपर कॉलेज के हम बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।